हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े। तो मैं चार प्याज छील कर ले ली हूँ, अब इसे चलिए काटते हैं। इसे काटने में हमें ध्यान इस बात के रखना है कि इसे हम ऐसे लंबाई में काटेंगे जिससे हमें अच्छे से लच्छे मिल जाए, इससे हमारे प्याज के पकौड़े अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, हमने सभी प्याज को काट के तैयार कर लिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल देंगे ताकि हमारे सभी लच्छे अलग अलग हो जाए। ऐसे करने से भी हमारे प्याज के पकौड़े क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। देखिए, मैं अच्छे से इसे मैश कर दी हूँ, सारे लच्छे अलग अलग हो गए। अब मैं इसे एक बाउल में डाल ली हूँ। यहाँ पे मैं मिक्स कर दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, और यहीं पे मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कूटी हुई पेपर पाउडर, अभी मैं ताज़ा कूट के डाल रही हूँ इसमें, और अजवाइन थोड़ा सा इसे मैं क्रश करके डाल दूंगी, इससे स्वाद अच्छी आती है। और यहाँ पे नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। यहाँ पे आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे पास अभी नहीं था। और इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें ध्यान रहिए कि पानी नहीं डालना है, अभी अच्छे से इसे मिक्स करते हुए मिला लेंगे इसे। और इसे मिलाकर मैं 10 मिनट के लिए इसे रख दूँगी ढक के। अरे देखिए, मैं 10 मिनट बाद देख रही हूँ उसे, प्याज अपना पानी छोड़ दिया है। अब यहीं पे मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून चावल का आटा, इससे प्याज के पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और फिर यहीं पे मैं ऐड करूँगी बेसन। ये बात का हमें ध्यान रखना है कि बेसन ज़्यादा ऐड हमें नहीं करना है, ज़्यादा बेसन ऐड कर देने से प्याज के पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं और बेसन बेसन का स्वाद आने लगता है इसमें। तो 1 से 2 टीस्पून बेसन ऐड करेंगे हम, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हाथों में लेकर शेप देंगे पकौड़े का। ये देखिए, हमारे पकौड़े अच्छे से ये बन रहे हैं, और प्याज भी मतलब कि खुला खुला सा नज़र आ रहा है। तो ये तैयार है हमारा। अब चलिए हम पकौड़े तलते हैं। इधर मैं तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। हाथों में थोड़े सा पानी लगा के मैं पकौड़े यहाँ पे डाल रही हूँ। ये ध्यान रहे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, जब ही हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं, नहीं तो ठंडा तेल होता है तो प्याज हमारे सारे तेल पी लेते हैं, फिर हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। मैं इन्हें पलट दी हूँ। ये देखिए, हमारे पकौड़े अच्छे से बन गए हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े तैयार है। अब मैं दूसरा बैच भी डाल लूँगी। आप लोगों को हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार है, अब इसे निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, हमारे सभी पकौड़े बन के रेडी है, और देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें, बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब इसे धनिया के चटनी, टमाटो सॉस या चाय के साथ गर्मा गर्म खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अभी बरसात का सीज़न भी चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में।
आप लोग भी गर्मा गर्म बनाए और खाए इसे। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।